हमारा आज का टॉपिक है फोक टेल्स, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स रोल इन हिस्ट्री। यानी कि हम लोग आज इंशाल्लाह फोक टेल्स की तारीफ, उसकी खसूसियात और तारीख में उसकी अहमियत पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फोक टेल्स की तारीफ जानने की कोशिश करते हैं। फोक टेल्स तसवराती कहानियां हैं जिसमें इंसानी जिंदगी की झलक मिलती है। इसमें तारीखी वाकयात के बीज भी हो सकते हैं। ये वो तसवराती कहानियां हैं जो पढ़ने वाले को एक दूसरी दुनिया में ले जाती है, जहां साइंसी और कुदरती उसूल खरे नहीं उतरते। अक्सर ये हकीकी दुनिया से आज़ाद होती हैं। ये जुबानी सूरत में नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती चली आई हैं, लेकिन फिर भी इन कहानियों में उस दौर की तबाही और तहजीबी झलक मिलती है। आप कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए। फोक टेल्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि पहला देखिए, सात भाई चौंपा बंगाली है, सेवन ब्रदर्स एंड वन सिस्टर, दक्षिणा रंजन मित्रा मजुमदार ने एक किताब लिखी जिसका नाम ठाकुर माल झोली था। इस मजमुए की एक मशहूर कहानी थी सात भाई चौंपा। इसमें दिखाया गया कि एक बादशाह की तीन रानियां हैं, तीनों के कोई बच्चा नहीं। बाद में सबसे छोटी रानी को सात बेटे और एक बेटी हुई। दोनों बड़ी रानियों ने हसद से सारे बच्चे को जमीन में दफन कर दिया और राजा को बताया कि रानी ने सात मेंढकों को और एक चूहे को जन्म दिया। मारे गुस्से के राजा ने छोटी रानी को महल से निकाल दिया। करिश्माती तौर पर राजा से उसके बच्चे मिलते हैं और सारी बातें बताते हैं। राजा छोटी रानी को वापस बुलाता है और दोनों बड़ी रानियों को बतौर सजा निकाल देता है। लगा ना जब सा, एक मैंने गाड़ दिया था फिर वापस आया। हमने तारीफ में ही बता दिया कि इसमें ऐसी ऐसी बातें भी होंगी जहां इंसानी जहन यकीन नहीं करेगा, इसीलिए इसको कहते हैं फोक टेल्स। फिर अलीबाबा चाली चोरी कहानी आपने सुन रखा है, सारे वाकयात फिल्म भी देखी होगी इसके ऊपर। फिर देखो एक है लोखिंदर बेहुला, ये बंगाल की एक मशहूर कहानी है। एक अमीर और ताकतवर ताजी रहता था जिसका नाम चांद सौदागर। वो भगवान शिव का पुजारी था, लेकिन उसने मानसा देवी जो कि सांप की देवी थी उसको पूजने से इनकार कर दिया। उसकी बदवा से चांद सौदागर के छह बेटे मर गए, सारे जहाज तूफान में बर्बाद हो गए। इसका छोटा बेटा लोखिंदर भी सांप के काटने से मर गया। लोखिंदर की बीवी बेहुला शौहर की लाश को लेकर देवी के पास गई और उसकी गुजारिश पर देवी ने उसे जिंदा कर दिया। आखिरकार चांद सौदागर मानसा देवी को पूजने पर राजी हुआ। ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें जो है वो कहलाती हैं फोक टेल्स। अब जैसे देखो टॉम थंब एंड जायंट, ये कहानी बहुत सी यूरोपीय ममालिक में मशहूर है। 1621 में रिचर्ड जॉनसन ने इंग्लैंड में इसे शाया किया। इसे टॉम थंब इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ये अपने बाप के अंगूठे के बराबर था। इसने बहुत सारी खतरनाक हालात का सामना किया। इसे कौवा निकल गया, फिर उल्टी कर दी और एक देवी ने आखिरकार एक मछली ने ये मछली पकड़ी गई और राजा के लिए पकाई गई। इस तरह वो भी राजा के दस्तरखान पर पहुंच गया और बादशाह आर्थर का पसंदीदा बन गया। माने कितने तकालीफ से, कभी परिंदा निकलता है फिर फेंक देता है सांप के पेट में, तब वापिस आता। इंसानी जहन तो उसको तसव्वुर नहीं करेगा, लेकिन फोक टेल से बच्चे ऐसी कहानियां सुनते चले आए। अब हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर गौर करते हैं, इसके खसूसियात क्या क्या है तो उस पर गौर करेंगे। फोक टेल्स को खास तौर से बच्चों के लिए लिखा गया है।
इस किस्म के किस्से कहानियां आमतौर पर जुबानी शक्ल में नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती चली आई हैं, हालांकि बाद के दिनों में उन्हें किताबी शक्ल दिया गया। इसमें आमतौर पर गैर इंसानी अनासिर ज्यादा पाए जाते हैं, मसलन देव, परी, शैतान, परिंदे, जादू टोना वगैरह वगैरह। ऐसी कहानियों में जानवरों, परिंदों और बेजान चीजों को इंसानी खसूसियात अदा की जाती हैं और वो इंसानों जैसे बोलते हरकत करते दिखाई देते हैं। ऐसी कहानियों से किसी खास जगह, मखसूस वक्त और मुल्क का अंदाजा नहीं लगता। लोक कहानियां बुनियादी तौर पर मजहबी मौजूआत पर मुनहसर नहीं करती हैं। आमतौर पर ऐसी कहानियों के असल मुसनिफ का पता नहीं चलता। बहुत सी कहानियों को अरसा बाद यज्जा करके किताबी शक्ल दिया गया और बाद वाले मुसनिफ का नाम दुनिया को पता चला। तो ये सारी जो है खसूसियात है फॉक्स टेल्स के मुतालिक। अब इसके इम्पोर्टेंस पर गौर करते हैं। लोक कहानियों की अहमियत दर्जे लिहाज से काबिल कबूल है। फर्स्ट पॉइंट, अगरचा इस किस्म की कहानियों में मखसूस जगह मसनफीन का इल्म नहीं होता, फिर भी ऐसी कहानियां समाजी जिंदगी, रस्म रिवाज, मजहब, अकीदत को जाहिर करती हैं। नेक्स्ट, ऐसी कहानियां किसी तारीखी वाकयात पर मुबना नहीं होती, मगर जिस दौर से उनका ताल्लुक होता है उसकी झलक उसमें ज़रूर मिलती है। मसलन लोखिंदर बेहूला, जिसका ताल्लुक अहद वस्ता से था, वो उस दौर की तजारती तरक्की और माशी खुशहाली के कासी करती, साथ ही उस दौर की मजहबी अकीदत पर भी रोशनी डालती कि लोग मनस्थ देवी को पूछते थे, है ना। फिर अगले पॉइंट में, ऐसी कहानियां तफरी का अहम जरिया बनी, इंसानी जिंदगी की बोरियत दूर करने में उनके तसव्वुरात को जगाने में अहम रोल अदा किया। ऐसी कहानियां पढ़ने वालों को इखलाकी दस भी देती हैं जो सामाजिक और ज़ाती इस्लाह के लिए सूदमंद है।